Hello. Today we will discuss how to calculate each partner profit. हर एक पार्टनर का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो इलुस्ट्रेशन है। सबसे पहले जो है वो हम इस साइड का जो फर्स्ट इलुस्ट्रेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राजकुमार, कौशिक और शर्मा तीन पार्टनर थे। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 15:10:9। फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का दिया है 68,000 रुपीज। आपको फाइंड आउट करना है ईच पार्टनर शेयर, हर एक पार्टनर को फॉर्म के प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको पार्टनर शेयर फाइंड आउट करना है तो उसकी फॉर्मूला जो है वो क्या है, पार्टनर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट टू शेयर ऑफ पार्टनर। इससे आप जो है वो किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेयर ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो हर एक पार्टनर का शेयर कितना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन रेशियो दिए हैं, 15, 10 और 9। अगर हम देखें तो टोटल जो है वो शेयर कितना है, 15 + 10 + 9, टोटल शेयर जो है वो हमारे पास है 34। बराबर, ये 34 हमारे पास टोटल शेयर यहाँ पे है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे राजकुमार का जो है वो प्रॉफिट कितना होता है। तो राजकुमार का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। 68,000 हमारे पास दिया है टोटल प्रॉफिट, 68,000 इंटू राजकुमार का शेयर है हमारे पास 15 और टोटल शेयर जो है वो हमारे पास है 34 इंटू 15/34। सो वी विल गेट 34, यहाँ पे कट करेंगे हमारे पास बचेगा 2,000। तो राजकुमार का जो है वो प्रॉफिट मिलेगा हमें 30,000 रुपीज। इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ कौशिक। कौशिक का प्रॉफिट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 68,000 दिया है, वो चेंज नहीं होगा। कौशिक का रेशियो 10 है तो उसका जो है वो शेयर क्या होगा, 10/34। कट करेंगे हमारे पास बचेगा 2,000, तो कौशिक का जो है वो शेयर हो जाएगा 20,000 रुपीज। इसी वे में हम लोग जो है वो शर्मा का जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करेंगे। शेयर चेंज होगा, टोटल प्रॉफिट चेंज नहीं होता, इसलिए वापस जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे 68,000। जैसे बाकी के दो पार्टनर्स का जो है वो हमने शेयर लिया था, इसका भी जो है वो शेयर वैसे लेना है। इसका रेशियो है 9 और टोटल शेयर हमारे पास है 34, तो 9/34 इसका शेयर हो जाएगा, 2,000 बचेगा और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 18,000। तो आपको अगर जो है वो किसी भी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो है वो आपको नोट डाउन करना है। ये फॉर्मूला आप जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट डिसाइड करेंगे तभी आपको जो है वो हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे जो केस हमने डिस्कस किया पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, ये पहला केस था जिसने आपको रेशियो पहले से दे दिया था। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको शेयर दिया था, रेशियो दिया था तीनों पार्टनर्स का। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको पार्टनर का प्रॉफिट मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। मैं एक इलुस्ट्रेशन से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इलुस्ट्रेशन मैंने लिख के दिया है, ए रिसीव्ड हिज शेयर 6 times ऑफ बी। ए को जो है वो बी से 6 गुना शेयर मिल रहा है, 6 times शेयर मिल रहा है। एंड बी रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, सॉरी सी रिसीव
हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, सी को जो है वो ए का हाफ शेयर मिल रहा है। फर्म का जो है वो टोटल प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपीज है, हमें फाइंड आउट करना है हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहले हमें जो है वो रेशियो डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं जो है दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, और ए को कितना शेयर मिल रहा है, बी से 6 टाइम्स। तो मुझे अज्यूम करना है बी का शेयर, तो मैं सबसे पहले बी का शेयर अज्यूम करूंगा। लेट अस अज्यूम बी शेयर इज इक्वल टू ₹1 जो है वो मैंने बी का शेयर अज्यूम किया। तो ए का जो है वो शेयर क्या हो जाएगा, ए शेयर इज इक्वल टू बी का शेयर ₹1 है, और ए को कितना मिल रहा है, 6 टाइम्स ऑफ बी, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और 6, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, 6, बराबर। और अब हम फाइंड आउट करेंगे सी का शेयर। तो सी का जो है वो शेयर में क्या बोला है, सी रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, तो सबसे पहले मैं करूंगा हाफ, और ए के शेयर का हाफ, ए का शेयर कितना है हमारे पास, 6, तो उसका हाफ मतलब 3, ए के शेयर का हाफ मतलब 3। अब हमारे पास तीनों का रेशियो है, ए बी और सी, तीनों का रेशियो दिया है, ए का रेशियो है 6, बी का रेशियो है 1 और सी का रेशियो है 3। अब हमारे पास रेशियो है, हमें फाइंड आउट करना है हर एक पार्टनर का जो है वो शेयर। तो पार्टनर्स प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पार्टनर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ पार्टनर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी वे में हम जो है ए बी और सी का जो है वो शेयर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए का शेयर फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज, शेयर ऑफ पार्टनर सबसे पहले टोटल शेयर कितना होगा, 6 + 1 + 3, टोटल शेयर हो जाएगा 10, और ए का शेयर कितना होगा, 6/10, 0-0 कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 60,000 रुपीज, ये हमें मिलेगा ए का शेयर। इसी वे में हम बी का शेयर फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास है 1 लाख रुपीज, बी का रेशियो है 1 और टोटल शेयर है हमारे पास 10, 1/10, 0-0 कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 10,000। सी का शेयर भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट चेंज नहीं होता, 1 लाख रुपीज रहेगा, सी का रेशियो दिया है 3, टोटल शेयर हमारे पास 10 है, 3/10, 0-0 कट हो जाएगा, अगेन हमारे पास बचेगा ₹30,000। सिमिलर वे से आप किसी भी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना, चैप्टर में सिर्फ जो है वो फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है, तो आपको जो है वो फॉर्मूला याद रहने चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी पार्टनर का शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है वो लिख के दे सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।